नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। कीरतपुर ने चौक फोरलेन की सुरंगों में ओवरटेक पर रहेगा प्रतिबंध, NHAI ने लिया निर्णय। कीरतपुर ने चौक फोरलेन की सुरंगों में ओवरटेक पर प्रतिबंध रहेगा। सुरंगों में प्लास्टिक के डिवाइडर लगाने का काम भी शुरू हो गया है। दो लेन की सुरंगों को हो रहे हादसों के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है। सुरंगों में गति सीमा भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। कीरतपुर ने चौक पर 5 सुरंगें बनाई गई हैं। सभी सुरंगें 2 लेन की हैं। हालांकि सभी सुरंगों के समानांतर 2 लेन की सुरंगें बनाई जाएगी, लेकिन तब तक दोनों ओर का यातायात इन सुरंगों से चलता रहेगा। फोरलेन पर ट्रायल के तौर पर यातायात बहाल करने के दौरान इन सुरंगों में कुछ बिगड़ेल चालकों ने नियमों के धज्जियां उड़ाई। हाल ही में सबसे बड़ी कैंची मोड़ टनल में ओवरटेक करते समय 2 कारें आपस में टकरा गई थी। ऐसे हादसे फोरलेन को पूरी तरह खुलने के बाद ना हो, इसके लिए अब सुरंगों में प्लास्टिक के डिवाइडर लगाए जा रहे हैं। भवाना और टेढ़ा सुरंग में डिवाइडर लगाने का काम जारी है। बद्दी के किशनपुरा में हादसा, ट्रक की टक्कर से स्कूटी चालक की मौत। बद्दी के तहत किशनपुरा में एक ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी चालक की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मामला रंजीत सिंह के बयान पर दर्ज किया गया है। उसने बताया कि जब वो किशनपुरा के पास था तो मानपुरा से बद्दी की तरफ जा रहे एक स्कूटी चालक को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक ट्रक सहित मौके से फरार हो गया। स्कूटी चालक गुरबख्श सिंह पुत्र हरमेश कुमार निवासी मानपुरा की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। DSP बद्दी प्रियंक गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। 2% कम हुई टेट के अभ्यर्थियों की संख्या। 18 जून से प्रदेश भर में शुरू होगी परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से ली जाने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए इस बार 2% आवेदन कम आए हैं। जनवरी माह में हुए टेट के दौरान 38,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने 7 विषयों की परीक्षा के लिए आवेदन किए थे, जबकि इस बार आवेदनों की संख्या में आंशिक कमी दर्ज हुई है। शिक्षा बोर्ड 18 जून से अध्यापक परीक्षाएं शुरू कर रहा है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से अब वर्ष में 2 बार अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जबकि इससे पहले वर्ष में 1 बार ये परीक्षा होती थी। साथ ही पहले टेट पास की मान्यता को 7 वर्ष का समय दिया जाता था, लेकिन अब टेट पास की मान्यता को जीवन भर के लिए कर दिया गया है। BRO ने डोहरनी नाला से रेस्क्यू किए सैकड़ों लोग, पानी के तेज बहाव में फंस गई थी रिकवरी वैन। ग्रामफू काजा सड़क पर डोहरनी नाला में मंगलवार देर रात 12 बजे फंसे सैकड़ों लोगों को सीमा सड़क संगठन के एक अधिकारी सहित 25 जवानों ने रेस्क्यू किया। हालांकि इस मार्ग पर अभी बड़े वाहनों की आवाजाही नहीं हो रही है, अभी छोटे वाहन ही आर पार हो रहे हैं। 13 जून शाम को करीब 4 बजे छतरू से एक रिकवरी वैन मनाली की तरफ आ रही थी। ये डोहरनी नाला में पानी के तेज बहाव में फंस गई। इस कारण करीब 150 छोटे वाहन डोहरनी नाले के पास आर पार रात 12 बजे तक फंसे रहे। सूचना मिलने पर सीमा सड़क संगठन की टीम पहुंची। टीम में BRO के कनिष्ठ अभियंता शुभम के साथ 25 जवानों ने सभी लोगों को रेस्क्यू किया। बता दें कि ये मार्ग अभी यातायात के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। तेज धूप में बर्फ पिघलनी तेज हो जाती है, इससे नालों का बहाव बढ़ जाता है। जिला प्रशासन ने कुंजुम के रास्ते ग्रामफू काजा मार्ग 1 जून से छोटे वाहनों के लिए खोल दिया है।